हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल साथियों। भाई कुछ दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। ना बनाने का रीजन यही था कि जाना नहीं पा रहा था ऑफिस, और ऑफिस से घर से वही रूटीन था सेम, तो उस रूटीन को क्या दिखाऊं डेली का ना। तो एक कुछ शिकायत भी मेरी वीडियो में बार बार आती थी, आवाज़ जो मेरी है, वॉइस जो मेरी क्लियर नहीं आ रही थी। मेरे पास माइक नहीं था प्रॉपर, जो मैं माइक इस्तेमाल करता था कभी कभार, वो इस तरह का था कुछ, वो लीड वाला, लीड लगाओ यहाँ पर फिर इसको लंबा, तो फिर ये सब झंझट था खाली। तो झंझट से निकलने के लिए मैंने फाइनली एक माइक मंगा लिया है बोया का। मैं उस माइक को आपको एक्चुअली अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ उस माइक की। यार भाई वो माइक बोया का, वो देखता हूँ कैसा माइक है कैसा नहीं है। काफ़ी सुना है इसके बारे में, काफ़ी अच्छा माइक है, काफ़ी अच्छे से ये फ़ोन के ऊपर सेट हो जाता है। तो करते हैं भाई अनबॉक्सिंग इसकी, बॉक्स की देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो लीड है इसके अंदर, दो लीड है फोन को अटैच, माइक से अटैच करने के लिए। अच्छा ये है माइक को होल्ड करने के लिए, ऊपर लगाने के लिए। और भाई ये है साथ में एक पाउच है, इसमें आप माइक को रख सकते हैं बाद में। और फाइनली माइक है, तो भाई ये माइक है, और इसके अंदर से निकालते हैं इसको। क्या बात है, तो ये है माइक बेसिकली, काफ़ी अच्छा है यार। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी इतना बड़ा साइज का होगा, मुझे लगा था शायद छोटा सा और काफ़ी स्लीक सा होगा, पतला सा होगा, लेकिन साइज़ काफ़ी अच्छा है इसका। वॉइस अभी जो चल रहा है, मैं आपकी, मेरी जो आवाज़ आ रही है ये सीधे माइक, फ़ोन के ही माइक से आ रही है। और इसको मैं यूज़ कर दिखाऊंगा इससे कितना डिफरेंस आपको भी पता चल जाएगा आपको जब इसको लगाऊंगा। अच्छा इसमें एक माइक में नई चीज़ आ गई है इसमें, पहले इस खाली इसमें एक जैक आता था, जो आप देख सकते हैं एक जैक है इसमें, आप जो अपने फ़ोन से अटैच करेंगे इसको, और एक जैक आने लगा ईयरफोन के लिए, आप अपनी आवाज़ को सुन सकते हैं या कोई आपकी आवाज़ को सुन सकता है आपकी शूटिंग करते वक्त कि आप वॉइस कैसी आ रही है। तो ये चीज़ अच्छी थी इसमें, ये मिला है। और ये मुझे पड़ा है करीब 2150 रुपये आसपास का, 2150 रुपये का, तो प्राइस भी ठीक है। और ये है वॉइस कैंसिलेशन के लिए, नॉइस कैंसिलेशन के लिए, हवा की आवाज़ है, फ़ैन की आवाज़ है, अदर आवाज़ें हैं उनको रोकेगा ये। तो इसको आप जब भी कभी शोर में हो तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा माइक है, काफ़ी बढ़िया यार ये। क्वालिटी चेक करते चलो इसकी एक बार, क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों इस माइक तो मुझे अच्छा लगा, इस माइक का भी माइक कैंसिलेशन भी काफ़ी अच्छा है इसका, काफ़ी हैवी है, काफ़ी मोटा है ये काफ़ी। लेकिन इसमें जो सबसे मुझे बेकार चीज़ लगी है वो ये लगा यार, माइक को होल्ड करने माउंट उन्होंने जो दिया हुआ है ये बहुत ही घटिया क्वालिटी का प्लास्टिक है एकदम, बहुत ही ऐसे हिलने वाला। इसको अगर काश ये अच्छी प्लास्टिक लगा देते या फिर इसको लोहे का बना देते, स्टील का बना देते, कुछ आयरन का बना देते किसी भी चीज़ का, तो काफ़ी अच्छा रहता। लेकिन जो उन्होंने प्लास्टिक बना दिया ना, ये जो चीज़ है ये प्लास्टिक की छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो साइड का है ना, ये पूरा इन्होंने जो इस तरह से प्लास्टिक बना दिया ना, ये बहुत बेकार किया यार, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो दोस्तों माइक सेट कर लिया मैंने, अभी जो मेरी वॉइस आ रही है माइक की आ रही है, पहले की तरह फ़ैन चल रहा है, पहले आवाज़ आ रही होगी फ़ैन की भी आवाज़ आ रही होगी, लेकिन अब किसी तरह की एयर की आवाज़ नहीं आ रही है, मेरी डायरेक्ट मेरी वॉइस आ रही है। तो इस माइक में काफ़ी फ़र्क है इससे लगाने के बाद, आवाज़ क्लियर आती है और नॉइसेस नहीं आती है, साउंड कैंसिलेशन एक्चुअली हो जाती है इसको लगाने के बाद, तो काफ़ी अच्छा है। आप बताइए कैसे है, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कैसी मेरी वॉइस पहले थी और अब कैसी है, और कैसे लगा आपको वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।